आम आदमी पार्टी के तिलौथू में कार्यालय का हुआ उद्घाटन। आम आदमी पार्टी रोहतास के अंतर्गत विधानसभा सासाराम का द्वितीय कार्यालय स्थान रेलवे लाइन के समीप कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी रोहतास गुलाम कुंदन के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड के कुल 12 पंचायत अध्यक्षों के साथ साथ जिला अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के रूप में वीरेंद्र कुमार शर्मा को मनोनीत किया गया। सभी कार्यकर्ता के साथ तिलौथू बाजार एवं पंचायत सरैया का भ्रमण किया गया। सरैया पंचायत वार्ड नंबर 4 के वार्ड परिषद विनोद कुमार शर्मा के द्वारा अनेक समस्याओं से रूबरू कराया गया। वहीं कार्यक्रम भावी प्रत्याशी सोनू कुमार भट्ट के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ। मैं सोनू कुमार भट्ट आम आदमी पार्टी रोहतास का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे आदेश दिया कि आप जन जन संपर्क करिए और लोगों की समस्या से रूबरू होइए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे कार्यालय की कमी है, लोग जो है सही जगह पे नहीं पहुंच पा रहे, तो मैंने कार्यालय का जो है उद्घाटन कर दिया। साथ ही साथ देखा कि पिछले विगत 30 वर्षों से सासाराम विधानसभा को इतना पिछड़ा रख दिया गया है लोगों द्वारा कि यहाँ पे ना ही हल्की बारिश होती है तो सड़क नाली गली जो है तुरंत भर जाता है। साथ ही साथ विद्यालय की अगर बात करें तो ऐसा आज स्थिति है कि यहाँ पे कोई पढ़ना नहीं चाहता है। और अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आप कोविड-19 में सिर्फ वेंटिलेटर ही है कि जो है जिससे हम लोग जिंदा रहने का आशा रख सकते हैं। वो भी न्यूज में हम देखे कि 5 वेंटिलेटर था, वो भी जो है बिना देख रेख के अभाव में वो खराब हो गया। तो काफी दयनीय स्थिति है और इसको मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ जीतने के लिए और जनता को जिताने के लिए यहाँ पर आई हुई है। इस पार्टी के क्या हैं आप? जी मैं एक अभी तो कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मुझे पार्टी ने आदेश दिया है कि आप जनसंपर्क करिए, लोगों के बीच जाइए, और मैं जो है अभी ये दावेदारी नहीं करता कि मैं जो है यहाँ का एक विधायक पद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ, आगे पार्टी डिसाइड करेगी। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम सोनू कुमार भट्ट। क्या उद्देश्य? हम लोग जो है वो समान रूप से हर क्षेत्र का विकास चाहते हैं और तिलौथू उपेक्षित रहा है, इसलिए इसके विकास के लिए हम लोग यहाँ कार्यालय खोलेंगे तो यहाँ से समस्याएं हम तक आसानी से जनता पहुंचा पाएगी और हम लोग उसको उठाएंगे। चाहे रही बात चुनाव की, तो हम लोग चुनाव को अभी टालना चाहते थे। कोरोना काल में हम लोग चाहते थे कि चुनाव की तारीख बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग दोनों रिजिड है कि नहीं हम लोग इसी काल में चुनाव कराएंगे। तो हम लोग इस हिसाब से यहाँ चुनावी तैयारी भी करेंगे और चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाकर दिल्ली की तरह बिहार में भी बदलाव लाएंगे। मेरा नाम गुलाम कुंदन है, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष रोहतास।